बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 2022 की न्यू कलेक्शन बार्बीज लुक। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट तरह के बार्बीज ड्रेसेस हैं, जो बच्चे जिन्हें पसंद है बार्बी लुक। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट तरह की बार्बीज लुक दिखाई गई हैं छोटे बच्चों के लिए। अक्सर हम मतलब बर्थडेज आती हैं बच्चों की, तो हमें नहीं समझ आता कि हम अपने बच्चों को क्या कैरी करवाएं जो उन पर अच्छा भी लगे और जिसमें वो इजी और कंफर्टेबल भी रह सके। मैं उस लिहाज से बच्चों के लिए लाई हूँ जिसमें बच्चे इजी भी रह सकते हैं, कंफर्टेबल भी रह सकते हैं। इन कपड़ों के साथ वो अपना फंक्शन हो, चाहे वो बर्थडे हो, वो फुली इंजॉय भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट तरह के ड्रेसेस हैं। इसमें वेलवेट टाइप भी ड्रेसेस हैं, जो अभी सीज़न चेंज हो रहा है। आप जानते हो कि वेलवेट में बहुत कम ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आती हैं, या हम ऐसे कहते हैं कि अब बच्चों पे डिफरेंट भी लुक आए। तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट तरह के फैंसी लुक भी है, सिंपल लुक भी है, जिसमें आप अपने बच्चों को ईजी और कम्फर्टेबल रख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब आप इसी के साथ मैं आपको अगली कलेक्शन दिखाने लगी हूँ। छोटी सी बच्ची ने पहना हुआ है ये ड्रेस, जो बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह। इसी के साथ साथ ये ड्रेसेस आप अपने बच्चों को भी कैरी करवा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लुक आपको दिखाई गई है। स्पेशली ये येलो कलर, येलो कलर बच्चों पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि येलो कलर चाहे वो सर्दी में हो, चाहे वो गर्मी के सीज़न में हो, येलो कलर सबका फेवरेट कलर ही होता है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट कलर है, आपका पता नहीं है मुझे, बट मुझे बच्चों पे येलो कलर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ साथ बच्चों पे रेड कलर भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फंक्शंस पे जो मतलब ब्राइड होती है उनके साथ छोटी सी जो ब्राइड बैठी हुई होती है वो रेड ड्रेस पहन के बहुत प्यारी लग रही होती है। देखिए आगे आप लोगों को और कलेक्शन भी दिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए और कलेक्शन भी लाती रहूँगी। अगर आपको इससे डिफरेंट कोई और कलेक्शन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।